हेलो एंड वेलकम टू आर यूट्यूब प्रिपरेशन चैनल दोस्तों मैं रुबेल और मैं आज आप सबके लिए बीएड एंट्रेंस का जीके क्वेश्चन लेके आया हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा अपकमिंग जो बीएड एंट्रेंस का एग्जाम होगा उसके लिए सो so, ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है ध्यान रखना आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना सो so, शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर वन व्हाट परसेंटेज शेड्यूल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेंट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितना शेड्यूल है सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी यानी ट्वेल्थ शेड्यूल ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडाप्टेड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कब अडाप्ट हुआ था ऑप्शन ए ट्वेंटी सिक्स जनवरी नाइनटीन फिफ्टी ऑप्शन बी ट्वेंटी सिक्स जनवरी नाइनटीन फोर्टी नाइन ऑप्शन सी ट्वेंटी सिक्स नवंबर नाइनटीन फोर्टी नाइन ऑप्शन डी थर्टी फर्स्ट दिसंबर नाइनटीन फोर्टी नाइन सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी ट्वेंटी सिक्स 1949। नाइनटीन नवंबर नाइन ट्वेंटी सिक्स को कॉन्स्टिट्यूशन डे भी मनाया जाता है ध्यान रखना नेक्स्ट क्वेश्चन ड्यूरिंग ए रिएक्टर वन एमोंग द सबसिक्वेंट इज एम्प्लॉयड एज ए फ्यूल ऑप्शन है कोल ऑप्शन बी यूरेनियम ऑप्शन सी रेडियम ऑप्शन डी डीजल सो कौन सा राइट आंसर हो सकता है इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी यूरेनियम ध्यान रखना नेक्स्ट क्वेश्चन द प्राइमरी मुस्लिम रूलर टू इंट्रोड्यूस दिस्टम ऑफ कंट्रोल वॉज जो था प्राइमरी मुस्लिम रूलर टू इंट्रोड्यूस जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया मुस्लिम रूलर ने दिस्टम ऑफ कंट्रोल सो किसने किया ऑप्शन है बल्बन ऑप्शन बी रुके जलालुद्दीन खिलजी ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी सो so, कौन सा राइट आंसर होता है हो सकता है सो so, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी अलाउद्दीन खिलजी ध्यान रखना नेक्स्ट क्वेश्चन तानसेन एन एक्सीलेंट म्यूजिशियन वाज विद इन द कोर्ट ऑफ तानसेन जो एक्सीलेंट म्यूजिशियन थे वो किसके कोर्ट पे थे ऑप्शन ए अकबर ऑप्शन बी बहादुर शाह ऑप्शन सी राना कुंभा ऑप्शन डी कृष्णा देवराय सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अकबर नेक्स्ट क्वेश्चन हु एमंग द सबसिक्ड अटेंडेड ऑल द थ्री राउंड टेबल कन्फ्रेंस नीचे दिया गया कौन मतलब तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड किया था जो लंदन पे हुआ था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑप्शन ए नेहरू ऑप्शन बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ऑप्शन सी वल्लभ भाई पटेल ऑप्शन डी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ध्यान रखना नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर इज़ द नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट इज एस्टेब्लिश्ड सो so, इसका ऑप्शन ए कानपुर ऑप्शन बी न्यू दिल्ली ऑप्शन सी लखनऊ ऑप्शन डी गजरोला सो so, इसका राइट आंसर का ऑप्शन ए कानपुर ध्यान रखना नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश किया गया कहाँ पे कानपुर पे नेक्स्ट क्वेश्चन ए स्टेटमेंट होस बर्थडे इज ऑब्जर्व बिकॉज ऑफ द नेशनल एजुकेशन डे ऑन बेटेरियन डे इज़ सो किसके जन्मदिन पे मनाया जाता है नेशनल एजुकेशन डे ऑप्शन ए जेबी कृपलानी ऑप्शन बी राजीव गांधी ऑप्शन सी मौलाना अबुल कलाम आजाद ऑप्शन डी सरोजनी नायडू सो so राइट right आंसर इज ऑप्शन सी मौलाना अबुल कलाम आजाद ध्यान रखना वो हमारे इंडिया का फर्स्ट कह सकते हम लोग एजुकेशन मिनिस्टर आफ्टर इंडिपेंडेंस हुए थे वो नेक्स्ट क्वेश्चन नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट इज़ मेड ऑन द रिवर नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट वो कौन से रिवर के ऊपर बनाया जा रहा है या बनाया गया काबेरी कृष्णा गोदावरी इंदाज सो so राइट right आंसर इज ऑप्शन बी कृष्णा रिवर ध्यान रखना नेक्स्ट क्वेश्चन द बार्मूदा ट्राइंगल लाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वेस्टर्न नॉर्थ एटलैंटिक क्वेश्चन ईस्टर्न साउथ एटलैंटिक क्वेश्चन ऑप्शन सी नॉर्थ पैसिफिक क्वेश्चन ऑप्शन डी साउथ इंडियन ऑश्चन सो कौन सा राइट आंसर होगा इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए वेस्टर्न नॉर्थ एटलैंटिक क्वेश्चन ध्यान रखना वेस्ट साइड पे नॉर्थ एटलैंटिक क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन हु एमोंग द सब्सिक्वेंट हैज बीन ऑनर्ड विद द भारत रत्न फॉर द ईयर टू थाउजेंड एट 2008 पे किसे भारत रत्न मिला आप लोग करंट अफेयर्स का क्वेश्चन देख लेना थोड़ा सा और ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम ऑप्शन बी जे मधवन नायर ऑप्शन सी पंडित भीमसेन जोशी ऑप्शन डी लता मंगेशकर सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पंडित भीमसेन जोशी नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सब्सिक्वेंट इज़ इंडियाज़ फर्स्ट न्यूक्लियर पावर सबमेरिन लॉन्च वन जुलाई टू सो आई विराट आई एन अरिहंत आई विक्रांत ऑप्शन डी आई एन एस तलवार सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी आई एन एस अरियंत नेक्स्ट क्वेश्चन द स्पीड ऑफ ए सनशाइन आर गोइंग टू बी मिनिमम हॉइल पासिंग थ्रू जो स्पीड है सनशाइन का जो मिनिमम हो जाता है पासिंग थ्रू कब ग्लास बेकम वाटर एयर सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ग्लास ध्यान रखना नेक्स्ट क्वेश्चन गल्पेनाइस आयरन शीट हैव कोटिंग ऑफ ऑप्शन ए टीन लीड जिंक क्रोमियम सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी यानी जिंक नेक्स्ट क्वेश्चन आई बी आर डी इज एडिशनली नोनेस आई बी आर डी को क्या नाम से जाना जाता है इंटरनेशनल बैंक इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट ऑप्शन सी एशियन डेवलपमेंट बैंक ऑप्शन डी बैंक ऑफ अमेरिका सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट ये वर्ल्ड बैंक का पार्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन द गुप्ता किंग हु द टाइटल विक्रमादित्य विक्रमादित्यवास जो गुप्ता रूलर गुप्ता डायनेस्टी से बहुत सारे क्वेश्चन आता है स्कंदा जिन्होंने विक्रमादित्य यह टाइटल लिया स्कंदगुप्त समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त गुप्ता चंद्र टू कुमार गुप्ता सो so, इसका राइट आंसर है रुकिए चंद्रगुप्त गुप्ता टू ध्यान रखना ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट फोर ऑफ़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विथ पार्ट फोर जो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का वो क्या डील करता है ऑप्शन ए फंडामेंटल राइट ऑप्शन बी सिटीजनशिप ऑप्शन सी डी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑप्शन डी यूनियन एग्जीक्यूटिव सो so, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट थ्री कंटेन करता है फंडामेंटल राइट ध्यान रखना नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच अमेज सब्सिक्वेंट कंट्रीज ऑफ द इको यूनियन हैज नॉट एडॉप्टेड ओनली करेंसी यूरो फ्रांस यूके जर्मनी स्पेन कौन से जगह पर मतलब करेंसी uh, नहीं लिया uh, जो यूरो Euro है यूरोपियन यूनियन का सो so, इसका राइट right आंसर है ऑप्शन बी यानी यूके नेक्स्ट क्वेश्चन परमानेंट मेंबर ऑफ़ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल वाज़ सॉरी काउंसिल आर जो यू एन या यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर कौन है यूके यूएसए रशिया चाइना जापान ऑप्शन बी यूएसए फ्रांस चाइना यूके कनाडा ऑप्शन सी यूएसए फ्रांस यूके रशिया एंड कनाडा ऑप्शन डी यू यूके फ्रांस रशिया चाइना सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी यू यूके फ्रांस रशिया चाइना नेक्स्ट क्वेश्चन द ऑथर ऑफ द बुक माई कंट्री माई लाइफ इज माई कंट्री माई लाइफ किसने लिखा लाल कृष्णा अदवानी जसवंत सिंह दिलीप कुमार सुनील गवास्कर सो राइट आंसर इज लाल कृष्णा अदवानी नेक्स्ट क्वेश्चन द पार्टीशन ऑफ द बंगाल वॉज रिवॉक्ट बाई द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन द इर जो पार्टीशन ऑफ बंगाल जो फिर से रिवॉक्क किया गया वापस लिया गया वो कौन से साल पे नाइनटीन हंड्रेड सेवन नाइनटीन हंड्रेड सेवनटीन नाइनटीन इलेवन नाइनटीन हंड्रेड ट्वेंटी वन सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नाइनटीन हंड्रेड इलेवन ध्यान रखना जो पार्टीशन हुआ था नाइनटीन पे हुआ था उसके बाद नाइन्टीन पे ये रिवोक किया गया और उसके बाद जो भारत का कैपिटल यानी इंडिया का कैपिटल कोलकाता से दिल्ली ट्रांसफर किया ये भी क्वेश्चन आ सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेंटी टू द फर्स्ट टॉकी फिल्म इन इंडिया वाज जो फर्स्ट टॉकी फिल्म बोलता फिल्म वो कौन सा है राजा हरीश्चंद्र ऑप्शन बी आलमारा ऑप्शन सी चंडीदास ऑप्शन डी झांसी की रानी सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी यानी अलामारा ध्यान रखना फर्स्ट फिल्म कह सकते हैं हम लोग हरीश हरिश्ट, राजा हरिश्चंद्र और फर्स्ट टॉकी फिल्म बोलता फिल्म वो अलाम है नेक्स्ट क्वेश्चन ब्लू रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू ब्लू रेवोल्यूशन स्पेस रिसर्च इरीगेशन फिशरीज ड्रिंकिंग वाटर सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी फिशरीज नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर इंडिया हैज़ द मैक्सिमम फॉरेन ट्रेड विथ इंडिया का सबसे ज़्यादा फॉरेन ट्रेड किसके साथ है जापान जर्मनी यूएसए यू के एस सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी यू एस ए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव द मोस्ट आर्बनाइज कंट्री इन द वर्ल्ड जो मोस्ट आर्बाइज कंट्री इन वर्ल्ड का कौन सा है जापान सिंगापुर जर्मनी इज़राइल सो कौन सा राइट आंसर हो सकता है इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सिंगापुर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स विच इज़ द हाइस्ट फाइनेंस बॉडी ऑफ द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का हाइस्ट फाइनेंशियल बॉडी कौन सा है आई डी बी आई सिद्बी आई एफ आई एफ सी आई ऑप्शन डी नवार्ड सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी सिद्ध बी उसका नाम ही स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक सो आप लोग ध्यान से देखना ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन वाट इज़ द न्यू नेम ऑफ द ओल्ड रीजन सियाम सी का भी नया नाम क्या है जो पहले सी के नाम से जाना जाता था ओल्ड हिस्ट्री पे एंशियन टाइम पे म्यांमार थाईलैंड फिलीपींस कैम्बोडिया सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी थाईलैंड क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी ग्रेट पोएट आमिर खसरू बर्थ प्लेस वाज जो ग्रेट पोइट आमिर खसरूब वो उर्दू के ग्रेट पोइट थे पटियाली यानी ईटा कानपुर तेहरान लाहौर सो राइट आंसर इज पटियाली यानी ईटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन बॉक्साइट इज एन ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल बॉक्साइड इज एन और ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल एल्यूमिनियम सिल्वर टीन स्टील सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी एल्युमिनियम क्वेश्चन नंबर थर्टी हु ऑर्गेनाइज द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल ऑप्शन ए अशोका ऑप्शन बी हर्षा ऑप्शन सी बिंदुसारा ऑप्शन डी कनिष्का सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कनिश्का क्वेश्चन नंबर थर्टी वन हुआ आज़ द लास्ट रूलर ऑफ द लोधी डायनेस्टी लोधी डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन थे बहलोल लोधी इब्राहिम लोधी सिकंदर लोधी दौलत लोधी सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी इब्राहिम लोधी ध्यान रखना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना लोधी डायनेस्टी का फाउंडर कौन थे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी वन हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ़ द लोदी डायनेस्टी ऑप्शन है बहलोल इब्राहिम लोदी सिकंदर लोदी दौलत खान लोदी सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी इब्राहिम लोदी क्वेश्चन नंबर थर्टी टू द कैपिटल ऑफ द अंदामान निकोबार आइलैंड इज अंडाम और निकोबार आइलैंड का कैपिटल कौन सा है पोर्ट ब्लेयर दीव कोलकाता तिरुपति सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पोर्ट ब्लेयर यह सब क्वेश्चन बार बार आता है ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री हु एमंग द फॉलोइंग डिसाइड द पर्टिकुलर बिल इज अ मनी बिल और नॉट Uh, कौन डिसाइड करते हैं पार्टिकुलर बिल जो मनी बिल और नॉट ऑप्शन ए प्रेसिडेंट ऑप्शन बी स्पीकर ऑफ लोकसभा ऑप्शन सी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा ऑप्शन डी फाइनेंस मिनिस्टर सो राइट आंसर का ऑप्शन बी स्पीकर ऑफ लोकसभा ध्यान रखना यह लोकसभा का स्पेशल पावर है मनी बिल इंट्रोड्यूस सिर्फ लोकसभा में किया जा सकता है और फोर्टीन डेज के अंदर राज्यसभा से यह वापस आना ही होगा नहीं तो यह बिल पास हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर बार इज द यूनिट ऑफ

Uh, मतलब किसके साथ जुड़ा हुआ है लोन टेनिस हॉकी चेस बैडमिंटन सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी चेस ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन ऑफ द फॉलोइंग हिल कनेक्ट द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न गार्ड ईस्टर्न और वेस्टर्न गार्ड को कौन सा हिल कनेक्ट करता है ऑप्शन ए सातपुरा ऑप्शन बी भिंदिया ऑप्शन सी नीलगिरी ऑप्शन डी अरावली सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी नीलगिरी हिल क्वेश्चन नंबर थर्टी एट हुइच कंट्री इज नोन एज द कोकपिट ऑफ यूरोप कॉकपिट ऑफ यूरोप किसे कहा जाता है ऑप्शन ए बेल्जियम ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड ऑप्शन सी नदरलैंड ऑप्शन डी सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बेल्जियम ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन इन उत्तर प्रदेश चारूकोला फोक डांस इज रिलेटेड विथ चारूकोला फोक डांस इज रिलेटेड टू ऑप्शन ए रोहलाखंड रीजन ऑप्शन बी ब्रिज रीजन ऑप्शन सी बुंदेलखंड रीजन ऑप्शन डी अपाध रीजन सोराइट आंसर होगा ऑप्शन बी ब्रिज रीजन क्वेश्चन नंबर फोर्टी हु एमंग द फॉलोइंग इज सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश का सेंट्रल यूनिवर्सिटी कौन सा है ऑप्शन ए डॉक्टर राम मनोर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी फैजाबाद ऑप्शन बी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी ऑप्शन सी छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर ऑप्शन डी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी इलाहाबाद सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी इलाहाबाद क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन लखनऊ कांग्रेस सेशन नाइनटीन सिक्सटीन वॉज बाई सरोजिनी नायडू मौलाना अबुल कलाम आजाद अंबिका चरण मजूमदार ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू सो राइट आंसर होगा ऑप्शन के ऑप्शन सी यानी अंबिका चरण मजूमदार ध्यान रखना लखनऊ सेशन इज पिस वाज पिसाइडेड बाई अंबिका चरण मजूदार क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू रिहान प्रोजेक्ट इज़ लोकेटेड सो ऑप्शन ए ललितपुर डिस्ट्रिक्ट ऑप्शन बी मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट ऑप्शन सी अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑप्शन सी सॉरी ऑप्शन डी सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री वेर वॉज अ तनचोई ब्रोकेट डेवलप सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी वाराणसी क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर हु सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है ऑप्शन ए मोहम्मद इकबाल ऑप्शन बी काजी नजरुल इस्लाम ऑप्शन सी आनंद नारायण मुल्ला ऑप्शन डी राम प्रसाद बिस्मिल सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी राम प्रसाद बिस्मिल क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव द केमिकल दैट इज़ यूज इन मेकिंग आर्टिफिशियल रेन इज़ सो आर्टिफिशियल रेन मतलब करने के लिए वो कौन सा केमिकल यूज करते हैं सिल्वर नाइट्रेट सिल्वर आयोडाइड सिल्वर नाइट्रेट सिल्वर क्लोराइड सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सिल्वर आयोडाइड क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द ह्यूमन बॉडी ह्यूमन बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा है बोन एनामेल नेल नान ऑफ दिस राइट आंसर होगा ऑप्शन बी एनामेल क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर इनकम टैक्स इज ए सोर्स ऑफ रिवेन्यू टू ऑप्शन ए सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट लोकल एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट सो राइट आंसर का ऑप्शन बी स्टेट गवर्नमेंट यह स्टेट लिस्ट पे आता है ध्यान रखना है एग्रीकल्चर क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट लार्जेस्ट माइका डिपोजिट आर इन सो सबसे ज़्यादा या बड़ा कह सकते हैं हम लोग माइकार डिपोजिट कहाँ पर है साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया कनाडा इंडिया राइट आंसर का ऑप्शन डी इंडिया यह बहुत इंपॉर्टेंट है लार्जेस्ट माइका आर इन इंडिया क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन ललितपुर डिस्ट्रिक्ट इन यूपी इज नोन फॉर द ललितपुर डिस्ट्रिक्ट जो यूपी का है वो किस नाम से जाना जाता है यूरेनियम डिपोजिट सुगर इंडस्ट्री पोलिक ट्रेनिंग एकेडमी नान ऑफ दिस राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यूरेनियम डिपोजिट क्वेश्चन नंबर फिफ्टी और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है ऑफ द फॉलोइंग ऑशन हैज द शेप ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट एस इंग्लिश अल्फाबेट एस के जैसा कौन सा ओशन का शेप है आर्टिक क्वेश्चन इंडियन ओशन एटलांटिक ओशन पैसिफिक ऑशन सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी एटलैंटिक ओशन सो आज के लिए इतना ही थैंक यू सो मच इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए थैंक यू